Hello friends, welcome to Education Bites. So today we are going to do some important MCQ of fundamental unit of life that are going to be very useful for your exams. So here is the first question. The largest cell in the human body is? सबसे बड़ा cell जो human body में है वो कौन सा है? Nerve cell, muscle cell, liver cell या kidney cell? तो सबसे बड़ा cell जो होता है वो nerve cell होता है. तो answer is A, nerve cell. The next question is, the powerhouse of the cell is, powerhouse of cell किसे कहा जाता है, chloroplast, nucleus, Golgi apparatus या mitochondria? So यहाँ पर जो correct option है वो है D, that is mitochondria, क्योंकि यहीं पर ATP जो है वो उसका production होता है. So the next question is, the network of endoplasmic reticulum is present in, endoplasmic reticulum कहाँ present होता है, nucleus में, cell wall में, cytoplasm या chromosome में? इसका answer बहुत ही easy है. हमें पता है कि endoplasmic reticulum जो है वो एक network की तरह पूरे cytoplasm में बिछा होता है. तो इसका answer जो है वो है C, that is cytoplasm. So the next question is, which is called the suicidal bag? Suicidal bag किसे कहा जाता है, सेंट्रोजोम, लाइजोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया या क्रोमोजोम को? द आंसर इज़ बी, दैट इज़ लाइजोजोम, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अपने ही डैमेज सेल या वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करके उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑर्गेनेली फाउंड ओनली इन प्लांट? कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, गॉल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या राइबोजोम? हमें पता है कि गॉल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ये सब कुछ एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है. तो आंसर इज सी, दैट इज प्लास्टिड, जिसके अंदर जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किचन ऑफ द सेल इज, द ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और गॉल्जी अपरेटस. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. इस पिगमेंट की हेल्प से जो प्लांट सेल होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस नॉन एज फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्लांट सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू, टर्जिड मतलब होता है स्वॉलन या फुला हुआ. द ऑप्शंस आर प्लाज्मोलिसिस, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस या इलेक्ट्रोलिसिस. द करेक्ट आंसर इज एंडोस्मोसिस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज, द ऑप्शंस आर मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन. हमें पता है कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ग्रोथ भी होती है, रेस्पिरेशन भी होती है और न्यूट्रिशन भी होती है. बस एक चीज़ है जो कि प्लांट सेल में नहीं होती, वो है मूवमेंट. सो द आंसर इज ए, मूवमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइबोसोम्स आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और फैट सिंथेसिस. द करेक्ट आंसर इज सी, प्रोटीन सिंथेसिस. सो द लास्ट क्वेश्चन इज, अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू द प्रोसेस टर्म्ड एज. द आंसर इज बी, एंडोसाइटोसिस, क्योंकि वो अपना खाना सूडोपोडिया की हेल्प से अपने अंदर ले लेता है. इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर आप खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सो गाइज, इफ़ यू फाउंड माई वीडियो नॉलेजेबल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.